दोस्तों आप इस मछली को तो जानते ही होंगे, ये वही मछली है जो स्पाइडरमैन 2 में दिखाई थी, जिसमें एक इंसान इसके काटने से एक चलता फिरता बिजली घर बन जाता है। दोस्तों जिन्हें पता नहीं है मैं उन्हें बता दूं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एक इलेक्ट्रिक फिश है जो कि अमेज़न की नदियों और महासागरों में पाई जाती है। दोस्तों ये मछली एक बार में 600 वाट करंट को छोड़ती है जो कि किसी को भी मारने के लिए काफी है। आज का हमारा टॉपिक इसी चीज को लेकर है कि इलेक्ट्रिक फिश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है, यानी बिजली आती कहां से है। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस मछली का शरीर 3 ऑर्गन से मिलकर बना होता है। दोस्तों जिन्हें ऑर्गन नहीं पता है कि ऑर्गन होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंसानों में दिमाग, फेफड़े और दिल, ये ऑर्गन कहलाते हैं, वैसे ही 3 स्पेशल ऑर्गन इस मछली के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पहला ऑर्गन का नाम है सच ऑर्गन, और दूसरे का मेन ऑर्गन, और तीसरे का हंटर ऑर्गन। दोस्तों सच ऑर्गन और मेन ऑर्गन मछली को बात करने में, आपस में झुंड में बात करने में काम आते हैं, और जबकि हंटर ऑर्गन मछली को सुरक्षा देने और उसका शिकार करने में काम आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हंटर ऑर्गन इलेक्ट्रोलाइट सेल से मिलकर बना होता है। मछली को शिकार या अपनी रक्षा करनी होती है तब मछली के दिमाग से एक सिग्नल इलेक्ट्रोलाइट सेल्स को आता है, तभी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, और तभी बिजली का निर्माण होता है। दोस्तों ऐसे में आप सोचिए कि मछली के शरीर के अंदर ऐसे ही 6000 सेल्स होते हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6000 सेल्स कितनी बिजली का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोचिए ये मछली किसी को काटे और 6000 सेल्स का करंट एक साथ पहुंचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की मौत होना निश्चित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे फ्यूचर में ऐसी ही साइंटिफिक वीडियो के साथ।